पहली बात ये है कि हमें ये समझना है कि जो कानूनी लड़ाई होती है वो एक लंबी लड़ाई होती है। ये फौरी जस्टिस अभी हम इस स्टेज पे नहीं है और ये बाहर भी नहीं होता। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। देखिए, इन केसेस में सजाए मौत मिलती है, उम्र कैद की सज़ा मिलती है लोगों को। जिन केसेस में इस किस्म की सज़ाएं मिलती हैं वो केसेस बाहर मुल्कों में भी 10-15 साल तक चलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक लंबी लड़ाई है, तो इसमें सब्र की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। दूसरी, ये एक कॉम्प्लेक्स लड़ाई है, आपको मुख्तलिफ फ्रंट्स पे लड़ना पड़ेगा। कोर्टों की हद तक मैं आपको बताऊं कि ये कोई एक केस नहीं होता, इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, इसमें हमें हाई कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी, इसमें हमें ट्रायल कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। ये एक केस नहीं होता, ये मल्टीपल केसेस होते। ये वीकनेस है सिस्टम की, लेकिन क्या करें, इंसाफ की जिद्दोजहद तो नहीं रोक सकते ना जब तक सिस्टम इम्प्रूव हो। तो ये एक कॉम्प्लेक्स लड़ाई है और मल्टीपल इसमें केसेस होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, लीगली डिफिकल्ट लड़ाई है ये। क्योंकि इसमें जितना पावरफुल होता है जो अक्यूज्ड होता है उतना गारंटीड होता है कि वो सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा, उतना ही गारंटीड होता है कि वो पुलिस को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, उतना ही गारंटीड होता है कि वो इंटेंस प्रेशर आपके ऊपर डालेगा। तो ये लॉन्ग लॉन्ग बैटल, कॉम्प्लेक्स बैटल, मल्टीपल बैटल्स। इसलिए आपको दो तीन चीजों की इसमें जरूरत होती है लड़ने के लिए। एक तो मेरी नज़र में पहली चीज, इट इज़ ए ऑफन कोटेड थिंग बट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट हैव पैशन फॉर वॉट यू आर डूइंग। मैं कहूँगा यू मस्ट लव वॉट यू आर डूइंग, ना तो ये काम नहीं कर सकते आप। इंसाफ की लड़ाई प्यार की लड़ाई है, तो हम सबको परवीन से मोहब्बत थी और है, इसलिए हमने लड़ा। अगर हमें नहीं मोहब्बत होती, और परवीन से मोहब्बत थी, परवीन जिस चीज के लिए स्टैंड करती, परवीन से भी मोहब्बत थी, लेकिन लार्जर व्हाट परवीन रिप्रेजेंटेड फॉर दिस सोसाइटी। और जब आपको किसी चीज से प्यार होगा तो मैं आपको बता दूंगा, हम आम लोग हैं जी, हमें सुई चुबाओ तो हमें दर्द होना लगता है, हमें इंजेक्शन लगाते हुए दर्द होता है, लेकिन वो फिर आपको एक खास किस्म का करेज देता है। तो हिम्मत की जरूरत, और वो प्यार से आएगा, ज़रूर आएगा मेरी बिल्ली।